एंड वेलकम टू बैक माई न्यू अदर ब्लॉग। तो अभी टाइम बजे है 11। सबसे पहले तो आपके लिए गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ और आप भी अच्छे होने चाहिए। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप सब भी अच्छे हैं, जहाँ भी है जो भी मेरे को देख रहा है सब अच्छे होने चाहिए। भोलेनाथ बजरंग बली की वजह से सारे अच्छे होने चाहिए, सबके ऊपर बजरंग बली का आशीर्वाद रहना चाहिए। मेरे ऊपर तो है, अब आप लोगों के ऊपर भी होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे को देखते हैं, उनके ऊपर भी बजरंग बली का साथ रहे। और तो आज के ब्लॉग में गाइस मैं आपको मिलाऊंगा अपने एग्जीक्यूटिव शेफ से, और वो आपको दिखाएगी आज मसाला ऑमलेट बना के कि कैसे बनाते हैं, और उसकी रेसिपी बताएगी क्या क्या इंग्रेडिएंट उसके अंदर ऐड करे जाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं हम अपने एग्जीक्यूटिव शेफ़ से। मैं जाता हूँ अभी किचन में और फिर एग्जीक्यूटिव शेफ़ से बात करेंगे कि आज वो मसाला ऑमलेट कैसे बनाएगी और क्या क्या रेसिपी रहेगी मसाला ऑमलेट की, और फुल प्रोसेस के साथ बताएगी, मतलब दिखाऊंगा मैं फुल प्रोसेस के साथ कि कैसे कैसे बनाते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं, अभी एग्जीक्यूटिव शेफ़ के पास ही जाते हैं, फिर मिलेंगे, दिखाएंगे हम उनको मिलाएंगे आपके साथ। अपने एग्जीक्यूटिव शेफ़ के पास जा रहा हूँ अभी किचन में, तो बताएगी आज कि कैसे कैसे बनाते हैं। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे किचन में पहुँच चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा अपने एग्जीक्यूटिव शेफ़। फाइनली मैं अपने एग्जीक्यूटिव शेफ़ के पास पहुँच चुका हूँ और अब मैं इनसे पूछूंगा कि हमने मसाला ऑमलेट की जो रेसिपी पूछनी है इनसे। अब ये बताएगी अब मसाला ऑमलेट की रेसिपी और फिर ये बना के दिखाएगा कैसे कैसे बनाते हैं। तो हाँ जी सर, मसाला ऑमलेट अदरक चौक, हरी मिर्ची चौक, टमाटर चौक, ऑनियन चौक, ऐड छोड़ो, हाँ जी जी, नमक वगैरह ऐड करना उसमें, नमक अपना मसाले के साथ से, मतलब टेस्ट अनुसार स्वाद अनुसार ऑमलेट बना। अच्छा अच्छा, तो और उसमें क्या क्या, मतलब उसको बनाने की टेक्निक है आपके पास कुछ, मतलब थोड़ी सी बता दो कैसे, मतलब कोई है टेक्निक क्या है? अपना पैन पे ऑयल लगाओ, ऑयल में अंडा दे अच्छा, ये आपने एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा बोला, ये कि ऑयल क्यों लगाते हैं हम, किस लिए लगाते हैं, मतलब अंडे, मतलब उसमें फ्राई पैन में ऑयल क्यों लगाते हैं? ऑयल इसलिए लगाते हैं, ऑयल में ही फ्राई होता है और एग उस पर चिपकेगा नहीं। हाँ हाँ, मतलब ये मतलब मेन रीज़न इसका ही है कि मतलब नीचे चिपके नहीं हो। अच्छा अच्छा, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा को, और इन्होंने बताया मेरे को कि कैसे बनता है, और अभी हम मेरे को बना के दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो चलो फिर देखो आप, अभी बना के दिखा रहे हैं ये कैसे बनाते हैं। तो गाइस ये बन रहे हैं अभी ऑमलेट, तो ये हमारे उस्ताद जी थोड़ा सा रेसिपी बताएंगे क्या क्या मिलाया आपने इस पे। नमक, हरी मिर्च और धनिया और अंडे वगैरह, अंडे, प्याज, टमाटर टमाटर तो दिख नहीं रहे मेरे को, टमाटर बाकी होता है, नीचे डूब गया, कहाँ नीचे, ये उसके नीचे चले गए। टमाटर डालना यार इसमें, अरे मसाला ऑमलेट है वो, बिना टमाटर के। हाँ, जब मैनेजर बोलता है तब डालते हैं ये। तो गाइस ये मसाला ऑमलेट का सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब ये बनाएंगे। ये थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा क्या तेल डाल रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं, मैं ऑनियन बोल रहा हूँ। सर सर ये ऑयल किस लिए डालते हैं? अच्छा ओके, मतलब कि ये जो है नीचे नहीं चिपके इसलिए हम ऑयल डालते हैं इसमें, है ना? ओके, तो अब हम ये थोड़ा सा जो मिक्सचर बना हुआ है इसको डाल रहे हैं हम फ्राई पैन में, और ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी शेप आ चुकी है ऑमलेट की। ये मसाला ऑमलेट है, हो गया।
सो गाइस ये देख सकते हैं आप, मसाला ऑमलेट रेडी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा देखने को तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी टेस्टी लग रहा है, यमी यमी। सो गाइस ये है एक थोड़ा सा आलू परांठा भी जो कि ऑमलेट के साथ खाएंगे हम। तो गाइस अभी मेरे एक सब्सक्राइबर है, ये कुछ बोलना चाहते हैं आपको, तो मैं बोलो क्या। मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे नासिर की आईडी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बताना कैसे जो अभी ऑमलेट का टिक बताया अच्छा है या सही है, प्लीज कमेंट में बताएं, कमेंट बॉक्स में। ओके भाई ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है आज की ये टिक, काफ़ी अच्छी लगी है मसाला ऑमलेट के, तो फिर अगर कोई नया टिक है तो आप भी कमेंट में बताइए। हाँ जी बिल्कुल, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।